जुड़िए उत्तर प्रदेश से, जानिए उत्तर प्रदेश को, सब्सक्राइब करें यूपी सिटी न्यूज को। हसरत थी परवाज लू, हसरत थी परवाज लू लेके सबको मैं उड़ू, हसरत थी परवाज लू लेके सबको मैं उड़ू, मालिक ने चेहरा पढ़ा, सुनी दिल की मेरे सदा, हो गया रोशन रास्ता, जान में मंजिल में चल पड़ा, जिससे भी मैं जा मिला सीने से मेरे आ लगा, हो गए बुलंद हौसले, होने लगे तय फासले, उमड़ती लाखों चाहते बन के दुआएं लगी बरसने, मैं बस चलता गया चलता गया, कारवां एक साथ मेरे बनता गया। धर्मेंद्र अब फिल्मी दुनिया से दूर हैं, उन्हें इंडियन सिनेमा का हीमैन भी कहा जाता है। 1997 में दुनिया के 10 सबसे हैंडसम पुरुषों में उनका नाम आता था। एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में देने वाले धर्मेंद्र बचपन से ही हीरो बनना चाहते थे। ग्लैमर की चकाचौंध ने उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था, लेकिन आज वही धर्मेंद्र अपना जीवन एकांत में बिता रहे हैं। जब वह 19 साल के थे तो उन्होंने प्रकाश कौर से शादी की थी। उस वक्त धर्मेंद्र ने बॉलीवुड में कदम भी नहीं रखा था। प्रकाश कौर और धर्मेंद्र के 4 बच्चे हैं, 2 बेटे और 2 बेटियां। जब धर्मेंद्र फिल्मों में आए तो कुछ ही समय बाद बॉलीवुड में उनका सिक्का जम गया। सबसे ज़्यादा उनकी जोड़ी को हेमा मालिनी के साथ पसंद किया गया। फिल्मी पर्दे की ये सुपरहिट जोड़ी असल जिंदगी में भी बन गई। हेमा से शादी करने के लिए वे अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक देना चाहते थे, लेकिन प्रकाश ने मना कर दिया। इसके बाद धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने इस्लाम धर्म अपना कर शादी कर ली। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की 2 बेटियां हैं। 2 शादियां करने वाले 84 साल के धर्मेंद्र अब अकेले अपने फार्म हाउस में रहते हैं। मुंबई के पास लोनावला में वे अपने इस फार्म हाउस पर ऑर्गेनिक खेती करते हैं। उनके फार्म हाउस के आसपास पहाड़ और झरने हैं, साथ ही उनकी अपनी 1000 फीट गहरी झील भी है। फार्म हाउस पर उनके पास कई गाय भैंसें भी हैं। मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर धर्मेंद्र का लग्जरी फार्म हाउस बहुत सुकून देता है। आए दिन धर्मेंद्र अपने फार्म हाउस से कई फोटोज़ और वीडियोस भी सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान धर्मेंद्र ने कहा था कि मैं जाट हूँ और जाट ज़मीन और खेतों से प्यार करता है। मेरा ज़्यादातर समय लोनावला स्थित अपने फार्म हाउस पर ही बीतता है। हमारा फोकस ऑर्गेनिक खेती पर है, हम चावल उगाते हैं। फार्म हाउस पर मेरी कुछ भैंसें भी हैं। आपको बता दें कि जब से कोरोना के कारण लॉकडाउन हुआ था, यानी मार्च से ही धर्मेंद्र अपने फार्म हाउस पर आ गए थे, तभी से वे अपने परिवार और दोनों बीवियों से दूर रहते हैं। हालांकि कभी कभार वे मुंबई चले जाते हैं। हाल ही में धर्मेंद्र ने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर कर कोरोना को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने लिखा था, कोरोना तभी जाएगा जब मास्क पहनोगे, दूरी बनाकर रखोगे और मुस्कुराते रहोगे। शेयर की गई इस फोटो में धर्मेंद्र काफी उदास नजर आ रहे थे।